अनदेखा तड़का एपिसोड 57 द कपिल शर्मा शो। ओके, तो आज हमारे मेहमान कौन होंगे जी? कपिल पाजी के साथ वो हैं जी तीन इंडियन क्रिकेटर्स। तो कल इंडिया ने वैसे खूब फेंटा लगाया अफगानिस्तान को ना। अच्छा, अच्छे अच्छे प्लेयर डाले हैं वैसे, मतलब नए नए यंग टैलेंट काफी आ रहे हैं इंडिया के पास। अच्छा, तो बाकी चलें जी अभी। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को भी लगाया कल, दोनों मैचों में अच्छा तो है। वो क्या रहा है? इंडिया अफगानियों को धो रहा है, न्यूजीलैंड वाले कीवी जो पाकिस्तान को धो रहे हैं, सबकी दलाई हो रही है। हाँ चलो, लेकिन ये है कि फास्ट हो गई है काफी क्रिकेट, ये है देखने को। लेकिन एक चीज अच्छी भी मैंने जो देखा है कि चले कुछ ना कुछ चेंजेस तो किया है ना, कुछ नए में लड़कों को मौका दिया है। आज गेस्ट कौन कौन से हैं भाई, वो तो देखना पड़ेगा। स्टार्ट करें वीडियो जी। शेखर धवन, सुरेश रैना एंड पांड्या। हार्दिक पांड्या कैसा लग रहा है वैसे? आप चेंज करते रहते ना, ये वैसे ऐसा खतरनाक लुक क्यों रखते हैं आप? इसे डराने के लिए, क्या बॉलर को डराने के लिए, कैप्टन को दिखाने के लिए कि मैं भी एक दिन कैप्टन बन सकता हूं भाई? दोनों चीजें। देखो सबसे तगड़ी लुक थी इसकी मूंछों वाली, पजो अभी भी है मूंछे, हां मूंछे अभी भी नहीं गई, पर देखो ज्यादा शादी की थी, खड़ी नहीं है हूं, बैठ गई है। जो मिसी शिखर धवन है ये ऑस्ट्रेलिया से है। अच्छा शिखर, एक बात पूछनी थी, सबके मन में थी, जोरावर अगर बड़ा होता है तो ये इंडिया से खेलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? देखो खेले ना खेले वो उसकी किस्मत है, जहां से भी खेले, दिल लगा के खेले या पढ़ाई करे, जो मर्जी करे, बस खुश रहे, दैट इज माय विश एज अ फादर। सुरेश जो हैं वो यूपी से हैं लेकिन खेलते गुजरात से हैं, शिखर दिल्ली से हैं, ये हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं, हार्दिक जो है गुजरात से मुंबई की तरफ से खेलते हैं। पर जैसे कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि अपनी स्टेट से खेलेंगे तो पैसे कम देंगे, चलो दूसरों की तरफ से खेलते हैं, ऐसा नहीं होता ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले 8 साल चेन्नई के लिए खेले, वहाँ बहुत प्यार मिला लोगों का जी, फिर गुजरात में खेले और पापा आर्मी में थे, मैं श्रीनगर से हूँ लेकिन रहता यूपी में हूँ जी, तो सबका प्यार है, पूरे पूरा पूरे भारत को आप पर गर्व है। सुरेश ये बात सच्ची है, आप जिस बैट से सेंचुरी मारते हैं वो संभाल के घर पर रख लेते हैं? तो रखे ना काफी सारे बैट रखे हैं। आपका भी कोई ऐसा शौक है कभी कोई मैच जीते कोई सेंचुरी वाला बैट है तो मेरा लक्की बैट है मैं संभाल कर? नहीं, मेरा उल्टा शौक है एक्चुअली, जैसे एक सीरीज खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे को नए बैट आएंगे तो नए बैट ज्यादा अच्छे लगते हैं okay. तो मैं पुराने बैट छोड़ देता हूँ, फिर नए बैटों से खेलता हूँ, लेकिन ऑफकोर्स वो बैट रखता हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे तो जो हमारे सीनियर्स थे वो हमारे को बैट जूते दिया करते थे जी, तो आज मालिक ही मेरा कि हम वो चीज़ वापस वो दोहरा रहे हैं कि अब वो यंगस्टर्स आते हैं तो उनको हमारा अपना सामान देते हैं, तो फिर उनके लिए जरूर रखते हैं। अच्छा आजकल इतने सारे कैमराज लग गए ना मैच में, बड़ी परेशानी होती कभी कभी। पहले पहले जब मैचेस होते थे अगर किसी एक आध खिलाड़ी से कैच छूट गया तो इतना सा स्टेटमेंट आता और मदन लाल से ये कैच छूट गया, बात करते हैं। अभी कैच छूटे सही बार बार वही दिखाते हैं, अगर ये कैच ईशान पकड़ लेते तो स्मिथ की सेंचुरी नहीं होती, देखिए कैसे छूटा ये कैच ड्रॉप जो हुआ ये मैच का टर्निंग पॉइंट, जब तक बोलते रहते जब तक वो खिलाड़ी को अगले मैच से बाहर नहीं निकलवा देते बहुत ज्यादा। पर जब कैच छूट जाता तो मन में क्या चल रहा होता है उस समय, कभी कैच छूट आप सब फील्डिंग करते हैं? बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली बॉलर भी मेहनत कर रहा है और टीम एक्सपेक्ट करती है और छूट रहा है, और यू नो जो आप बोल रहे हो सही बात है, जब वहाँ देखते रहते तो और गुस्सा आता है खुद के ऊपर, यार कहाँ कैच छोड़ दिया। फिलहाल फाइनल में ही हुआ, कृणाल ने कैच छोड़ दिया और तो वो तो बुरा माना ही, आधे आधे प्लेयर जमीन पे सो गए कि क्या हो गया। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में कभी कैच छोड़ी हो और पीछे से ऊपर से आवाज आती है लस्सी में डूबे हुए कौए दिल्ली चेवले भाई तेरी आंखें नहीं है जब गालियां पड़ती है ना भैया फिर पता लगता है असली। अभी तो जैसे कैच छूटता है तो लोग जो आप बोल रहे पाजी वो तो बोलते ही हैं, अभी जैसे अभी नया पाजी ने स्टार्ट किया है वो बोलते हैं पर पाजी कितना ये प्रेशर रहता है, कभी वाइफ आई हो मैच देखने, गर्लफ्रेंड आई हो, हार्दिक हो सकता है आप भी छुपा के बिठाते ही हो कहीं, छोटी नहीं है? नहीं मैं नहीं बुलाता, जिसको देखना टीवी से देख लो, भी किसको इसको बुलाएं क्या पता। पहले सवाल पूछा था यहाँ पे आके कंफर्म हुआ, कहते मैं किसी को नहीं बुलाता क्योंकि किस किस को बुलाए, पास तो तीन है। देखो जी गर्लफ्रेंड वालों के लिए ज्यादा प्रेशर है, वोटियों के लिए कोई प्रेशर नहीं है। हाँ पता है अब तो रजिस्ट्री हो चुकी है, अभी क्या है, जिनकी सगाई होती वो डरते होंगे अंगूठी ना वापिस आ जाएगी।
पाजी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछ। जैसे अगर तो आप सेंचुरी मार के गए और टीम में कोई पंजाब से है प्लेयर, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद से, सबके लिए अलग अलग तरह की डिश बनती है, आप जाके बोलते भी सेंचुरी मार के आए, अगर कहीं बंदा पहली बॉल पे आउट होकर जाए उसके बाद जाके बुफे में खाना खाते हैं कि सीधा रूम से ही ऑर्डर करते हैं कि ऐसा? वो पहले हुआ करता था। अच्छा, सिद्धू पाजी के टाइम में मतलब इतना सीनियर का खौफ हुआ करता था कि जूनियर आसपास नहीं बैठा करते, सबकी एक जैसे सीट होगी कि हाँ सीनियर बैठते हैं तो जूनियर की हिम्मत नहीं हो सकती कि वहाँ आएगा, और सीनियर सबसे पहले खाना खाएगा उसके बाद जूनियर खाएगा। बट आज की जनरेशन में वो नहीं है, अब सब एक बराबर है, और ऑफकोर्स सीनियर जूनियर का अभी भी रिस्पेक्ट है लेकिन जो फ्रेंडलीनेस है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो सीनियर अब बड़े भाई जैसे होते हैं ऐसे, अगर टीम में दिखता भी आपकी टीम की जब आप खेलते हैं। अच्छा पाजी, हमारे कितने सारे जो क्रिकेटर्स हैं जिनका बॉलीवुड से बड़ा प्रेम है, युवराज और भज्जी ने तो शादी भी कर ली, हार्दिक आप कब पकड़े जाएंगे किसी के साथ? कोई है निकट भविष्य में आपके फैंस जानना चाहते हैं? मैंने बोला भी था कि नहीं, कहते नहीं पूछो, लड़कियां पूछ रही थी। ये टीवी पे नहीं लगता पर दिखने में बहुत हैंडसम है यार। टीवी पे नहीं लगता वैसे बहुत निकट भविष्य में कोई ऐसा नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, अगर किसी को है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को रेडी हूँ। तो हार्दिक की तरफ से हार्दिक स्वागत है अगर कोई आना चाहे, ऐसा कुछ मना नहीं है। अंपायर जो तीन आंख वाले हो गए हैं जिनकी ऐसे टोपी में कैमरा लगा रहता है, तीन आंख वाले, ये काम बड़ा खतरनाक है भाजी। क्यों? कि जब 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 तक तो आप उसमें खेल रहे हो तब तक तो ठीक है, अगर वैसे अंपायर को वॉशरूम जाना हो तो किसी और को देख ले, उसका तो लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। अच्छा भाजी, फाइनल डिसीजन थर्ड अंपायर का होता है तो बाकी दो क्यों फिर धूप में खड़े रहते हैं? इसके बारे में कभी आपने कोई विचार किया? क्योंकि एक सेकंड में उस अंपायर को ये नहीं पता लग सकता कि ये क्लीन कैच है या नहीं, जो ऊपर बैठा है थर्ड अंपायर वो बार बार 7 बार भी देख सकता है, स्लो मोशन में भी देख सकता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बाकी के फिर जो दो अंपायर हैं उनकी दिहाड़ी क्यों वेस्ट जा रही है? ऐसे ही क्वेश्चन आया था, पूछ लिया बच्चों वाला। उनका उनका रूल है, अभी बीच में अभी नया एक रूल है, जैसे कोई कैच जैसे डाउट में है तो या छक्का हो गया है, पैर टच हो गया, तो ऐसे करते, फिर ऐसे ऐसे करते, कैच पकड़ा है या आउट हो गया है तो ऐसे करके फिर ऐसे करते आउट, तो उनको ग्राउंड पे डिसीजन देना पड़ता है कि आउट है। बट एक बार मैं सजेशन लेना चाहता हूँ पाजी, एक बड़ा ये छोटे बच्चे का सवाल था, कह रहे थे कि अगर बड़े इंपॉर्टेंट मैच से पहले किसी खिलाड़ी को लूज मोशन हो जाए तो उसको ड्रॉप कर देते हैं कि उसको डायपर पहना के खिलवाते हैं? कभी ऐसा हुआ? नहीं, हमारे साथ गुजरात में लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था, कोई फॉरनर प्लेयर था। अच्छा। तो उसने रात को, एक्चुअली गर्मी बहुत थी उस टाइम पे, तो उसने शायद कुछ या कुछ बादाम या ऐसा कुछ ज़्यादा खा लिया था, वो तो मीटिंग में नहीं आया वो। अच्छा। तो वेट किया, स्टार्ट हो गया मीटिंग, चलो सीनियर प्लेयर था, उसके बाद फिर हम बस में गए तब भी नहीं आया वो, तो मैंने कहा चलो ठीक है दूसरी गाड़ी में आ जाएगा, उसके वो दूसरी गाड़ी में भी नहीं आया। अच्छा। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई उसकी, फिर उसको खेल ही नहीं सकता, फिर कैसे खेलोगे? उधर से चौका मारो और पीछे से अपना छक्का निकल जाए। मेरा तो हो गया, आप लोग हो गए, आप वो रिटायर्ड, वो बिना छक्का मार के रिटायर्ड हर्ट होकर जा रहा है, तो सारे देख रहे हैं भाई इसको क्या हो गया, अच्छा भला तो खेल रहा था लेकिन वो चल भी ऐसे 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 करके रह गए, अब कुछ जो है ना वो बाहर ना निकले हैं, अंदर ही रहे पैंपर के, उसके डायपर्स के। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब थोड़ी सी भी, आजकल तो थोड़ी सी भी इंजरी, हल्की फुल्का बुखार भी होता है तो वो नहीं, इतने आपके पास अल्टरनेटिव प्लेयर्स पड़े होते हैं, और आज इतना कंपटीशन और इतना टैलेंट आ गया है। अगर हम आईपीएल की बात करें तो जो रिजर्व में बैठे होंगे आप देखो कि वो बड़े से बड़े प्लेयर आपको रिजर्व में बैठाना पड़ते हैं टीम को। अगर हम टीम की बात करें तो इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडिया के पास अब कोई स्लॉट नहीं है, ठीक है, कि कहां पर किसको खिलाया जाए यार, इतने प्लेयर पीछे पेंडिंग में पड़े होते हैं ना, तो वो अब इंडिया के पास जब आपके पास ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर होते हैं ना तो उतना ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए डिसाइड करना कि यार इधर किसको खिलाएं हम, ठीक है, अब बाहर किसको करें, खिलाएं किसको, तो अगर किसी को थोड़ा बहुत इंजरी या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली वो बाहर चला जाता होगा, उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर वो आ जाता होगा। तो बाकी मतलब जब क्रिकेटर्स को देखते हैं ऐसे, और स्पेशली कपिल भाजी के साथ, तो काफ़ी बढ़िया लगता है क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती हैं कि हंसी वाली। तो गाइस, आपका वैसे तीनों में से फेवरेट कौन है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या पांड्या स्पेशल ऑलराउंडर है वैसे।
जो है ना अपना शेखर धवन बहुत बढ़िया, इनका स्टाइल और इनका खेलने का तरीका जो था ना बहुत अच्छा। सुरेश रैना बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन थे। तो बाकी चलेंगे, आपका फेवरेट कौन है कमेंट बिलो, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।